हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। मेरा नाम है सुनील, हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है आपका। तो दोस्तों, ये मेरे पास एक ब्लूटूथ स्पीकर है। इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है, जैसे तो गिरने के बाद थोड़ा टूट गया हुआ, थोड़ा अंदर से डैमेज हो गया हुआ है। इसमें देखेंगे प्रॉब्लम क्या हो रहा है। जैसे हम चार्ज में इसको लगाते हैं तो ये हमारा चार्ज में काम कर रहा है, और इसको चार्जिंग निकाल देते हैं तो ये बंद हो जाता है। तो चलिए पहले इसको खोलते हैं, देखते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है। यहाँ एक बोल्ट दिया हुआ है, इसमें 6 बोल्ट है, तो सभी 6 बोल्ट हमें निकाल लेना है, फिर इसको ओपन करते हैं। तो चलिए, हमने सारा बोल्ट इसका निकाल लिया है, देखते खोलते इसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है। प्रॉब्लम पहले ये हो रहा था कि जैसे कि आप अगर इसको चार्ज में लगाते हैं तो ये अच्छे खासा गाना चल जाएगा, जैसे चार्ज में लगाते इसका बैटरी काम नहीं कर रहा था तो ये गिर गया हुआ था। तो यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, खोलने के बाद ये बैटरी जो है ये पूरा दोनों वायर से निकल गया हुआ है। तो यहाँ पे बैटरी आप देख सकते हैं, इसमें चार्जेबल बैटरी है, इसमें 1200 mAh का बैटरी लगा हुआ है, इसमें 3.7 वोल्ट का लगा हुआ है। तो इसका आप देख सकते हैं, जैसे ब्लैक वाला और रेड वाला वायर टूटा हुआ है, बस यही प्रॉब्लम है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको पहले कनेक्शन कर लेंगे। रेड वाला जो है यहाँ पे जो छोटी वाली कैप लगा हुआ है, देखिए ये प्लेन कैप इधर देख सकते हैं आप, और ये छोटी वाली कैप इधर लगा हुआ है। तो यहाँ पे हम रेड लगाएंगे और यहाँ पे ब्लैक लगाएंगे, ऐसे में पता चल जाएगा रेड कौन सा है, ब्लैक कौन सा है। तो चलिए हम इसका कनेक्शन कर लेते हैं, उसके बाद बैटरी को हम डबल टेप लगा के चिपकाएंगे। तो पहले हम सोल्डरिंग कर लेते हैं वायर इसका, इसका कनेक्टर निकाल लेते हैं जो स्पीकर का कनेक्टर है, इससे हमें इसको साइड में रख लेते हैं, इससे हमें सावधानी होगी। यहाँ पर हमें कुछ इस तरह से इसको टेप चिपकाना पड़ेगा टेप लगा के। तो चलिए हम इसको सोल्डरिंग कर लेते हैं। तो ये पहले वाला मैंने सोल्डिंग कर दिया, ब्लैक वाला जैसे हम रेड लगाते हैं वायर वैसे ही आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन लाइट जलना चालू हो गया है। तो इसका मतलब है बैटरी में प्रॉब्लम था, ये टूट गया था, तभी हमारा जैसे चार्ज से निकालते थे वैसे ही हमारा ये ब्लूटूथ बंद हो जाता था। अब ये वर्किंग अच्छे से करेगा। तो चलिए हम इसको यहाँ पर चिपका लेना है हमको। तो इसको चिपकाने के लिए हम डबल टेप का इस्तेमाल करेंगे। तो ये कुछ इस तरह का टेप आता है जिसमें डबल रहता है, इसमें सुलेशन जो है दोनों तरफ रहता है। तो हमें बैटरी के थोड़ा इस प्रकार से काट लेना है, और यहाँ पे हमें बैटरी पहले चिपका लेना है। इसके सुलेशन भी अच्छे होते हैं, जल्दी ये निकलते नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, ये जो ऊपरी वाला हिस्सा है इसको निकाल देना है। अब हम इसको यहाँ पर अच्छे से यहाँ पे चिपका लेंगे अच्छे से। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये ऐसा वर्किंग करने लग गया है। अब इसका स्पीकर का कनेक्टर लगा लेंगे और फिर हम चेक करेंगे इसमें हमारा बैटरी का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हम पहले ऑफ कर लेते हैं, यहाँ से ऑफ कर लिया हमने। तो चलिए दोस्तों, हमारा एक कनेक्शन हो गया है। अब इसको हम पहले बोल्ट नहीं लगाएंगे, पहले चेक करेंगे कि हमारा वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। बोल्ट हम बाद में लगा के कस लेंगे इसको। तो देखिए, हम पीछे से इसको ऑन करते हैं, यहाँ पे बटन दिया हुआ है ऑन का। तो ये देखिए, जैसे वेलकम टू माइक्रो म्यूजिक वर्ल्ड ब्लूटूथ मोड, जैसे ही ऑन करते हैं ये हमारा वर्किंग अच्छे से करने लग गया है। तो दोस्तों, इसमें इतना ही प्रॉब्लम था, इसका बैटरी का वायर टूट गया है। अगर आप मिस्त्री के पास जाते तो आपको कम से कम 50 से 100 रुपया भी ले सकते थे वो मिस्त्री, तो आप अपने घर पे भी अच्छे से इसको बना सकते हैं। दोस्तों, हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे आपको तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, आपसे फिर एक नए वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।